मॉड्यूल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड द प्रोजेक्ट ऑर्गेजेशन टू ए सक्सेसफुल ई आर पी इम्प्लीमेंटेशन अब ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन इज ए प्रोजेक्ट विच मीन स्टार्ट डे होगी और एंड डे होगी स्टार्ट और एंड के बीच में देर आर मेनी टास्क विच हैजू बी परफॉर्म उनके कुछ डेडलाइन होंगी कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे कौन कौन से रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे तो ये सारी प्रैक्टिस जो है यू हैव टू फॉलो सम काइंड ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस अब सबसे पहले हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को रिव्यू करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ ए प्रोसेस सो दे आर सेट नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मेथड्स, नॉलेज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू अचीव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव तो स्टार्ट के अंदर जो भी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव थे यू विल बी रिक्वायरिंग सम काइंड ऑफ ए

क्या नई अपॉर्चुनिटी है जिसकी बेसिस पे हमने ईआरपी को इंप्लीमेंट करना है कौन कौन से वेंडर को सिलेक्ट करना है उसके अंदर सारी एक्टिविटीज होंगी कौन उन उस वेंडर एनालिसिस के अंदर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेगा क्या, क्या क्या रिपोर्ट जनरेट होंगी तो वो सारा जो इंप्लीमेंटेशन जो है इट विल बी टेकन एज ए प्रोजेक्ट क्योंकि स्टार्ट और एंड डे उसके अंदर जरूर होगी ए क्लियर प्रोजेक्ट प्लान हर प्रोजेक्ट का एक प्लान होता है अगर आप ईआरपी इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्लानिंग फेज टिल दी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देर हैज टू बी अ प्लान एंड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन किसको किस वक्त रिपोर्ट करेगा कितने लोग किस एक्टिविटीज पे काम कर रहे हैं कौन कौन से वो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनके माइल क्या क्या हैं क्या है, क्या डेडलाइंस हैं क्या स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे तो वो सारी चीज इन्वॉल्व होगी विल बेटर एंड प्रोजेक्ट रिसीव दी अटेंशन एंड अकाउंटेबिलिटी टू बी सक्सेसफुल अगर ये सारा स्ट्रक्चर पहले डिफाइन नहीं होता विच मीन अगर प्रोजेक्ट प्लान नहीं होगा तो डेफिनेटली इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू नो के प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है किस को कौन सी ड्यूटी असाइन की गई है कब एक काम कंप्लीट होगा कितनी देर में एक काम कंप्लीट होना है उस टास्क का स्टार्टिंग और एंड डे क्या था तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब आप प्रैक्टिस या एक प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे तो इट हेल्प्स टू ब्रिज द कम्युनिकेशन गैप जनरली प्रोजेक्ट एक जब उसका प्लान बनता है तो देर इज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करते हैं जो उस पूरे प्रोजेक्ट को उसका प्लान बनाता है द प्रोजेक्ट ओनर्स ए प्रोजेक्ट स्टेरिंग कमेटी एंड प्रोजेक्ट एग्जेकटिव मस्ट डिवेलप दरारकी डिटरमाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे हैव टू मेक श्योर कौन कौन से रिसोर्से अवेलेबल हैं, किसने क्या काम करना है कितनी टास्क अवेलेबल हैं, क्या हैरारकी होगी कौन किस को रिपोर्ट करेगा कौन कौन से टास्क अचीव करेगा तो वो सारी हैरारकी ऑलरेडी डिफाइन होगी मेनी बिजनेसेस नाउ हैव ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन आई टी टू प्रोवाइड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेसेसरी फॉर कंपनी प्रोजेक्ट तो इन मोस्ट ऑफ द कंपनी दे हैव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको पीएमओ भी कहा जाता है वो क्या करती है वो प्रोजेक्ट के प्लान बनाती है डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट हायर करती है और जो भी प्रोजेक्ट कंपनी के अंदर चल रहे हैं उनकी प्लानिंग और उनकी एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है फंक्शनल टेक्निकल एंड चेंज मैनेजमेंट स्टाफ फॉर द प्रोजेक्ट विल लाइकली कंसिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ तो फंक्शनल टेक्निकल एज वेल एज चेंज मैनेजमेंट स्टाफ विल बी पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट टीम क्योंकि आपने जब रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं और प्रोजेक्ट का प्लान बन रहा है तो यू हैव टू इन्वॉल्व ऑल दीज स्टेक होल्डर्स अब इस हरारकी के अंदर यू ऑलवेज हैव एन बिजनेस ओनर जिसकी कंपनी में एक प्रोजेक्ट का प्लान एग्जीक्यूट होगा इन द केस ऑफ ई आर पी इंप्लीमेंटेशन अगेन इट इज ए प्रोजेक्ट दैट हैज टू बी कम्पलीटेड फिक डेट अंडर दैट प्रोजेक्ट अंडर दैट बिजनेस ओनर यू हैव प्रोजेक्ट एग्जेक्टिव जनरली कंपनीज के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं या प्रोजेक्ट एग्जेक्टिव होते हैं एंड देर आर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जिसको एक स्टेयरिंग कमेटी डील करती है ए कमेटी दैट डिसाइड्स ऑन द प्रोरिटी और ऑर्डर ऑफ बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेज द जर्नरल कोर्स ऑफ इट्स एक्शन स्टेडिंग so, कमेटी का ये रोल होगा अंडर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस यू हैव मल्टीपल डिफरेंट हेरारिकल स्ट्रक्चर वन कुड बी फॉर द चेंज मैनेजमेंट कि जब आपने ईआरपी इंप्लीमेंट कर दिया तो उसके साथ से जो ट्रेनिंग है और यूजर सपोर्ट है वो क्या होगी कौन कौन से आईटी स्टाफ होंगे जो इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे और उसके साथ साथ क्रॉस फंक्शनल टीम तो ईआरपी की इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑल दी स्टेक होल्डर्स हैज टू बी इन्वॉल्व टू मेक श्योर कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो